Hello, bachcho, let's see the question. A copper rod of cross-sectional area is 2 cm square and length 2 meters, compressed length wise by a weight of 10 kg. If Young modulus of elasticity of brass is 10 power 11, g is 9.8, then increase in the potential energies. So, you will get 1 by 2 into of work done F, into of work done F into del x. और डेल एक्स को फिर हम लिख देंगे दैट इज इक्वल टू एफ इन टू एल अपॉन वाई ए. सो ये हो जाएगा फाइनली 1 बाई टू एफ स्क्वायर एल अपॉन वाई ए. अब देखो एफ कितना दिया है आपको एम जी यानी कि 98. सो इसका होल स्क्वायर हो गया इन टू एल कितना दिया आपको 2 मीटर अपॉन 2 इन टू वाई कितना दिया 10 पावर ऑफ 11 इनटू एरिया कितना दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा आपका 480 माइक्रो जूल अप्रोक्सीमेट. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. ऑल द बेस्ट.